विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बने प्राचीन तारा देवी मंदिर के पास एक रेन शेल्टर में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। ये व्यक्ति जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से यहाँ रेन शेल्टर में ही बीमारी की हालत में रह रहा था और इसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिल पाया है, जिससे इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज, थाना प्रभारी मनोहर चौधरी ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएसपी तिलकराज ने कहा कि कुछ दिन तक इस शव को देहरा के शव गृह में रखा जाएगा, ताकि यदि इसकी पहचान हो जाए तो शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाए। ज्वालामुखी थाने में अभी सूचना मिली कि एक तारा देवी मंदिर के पास एक जो व्यक्ति है नेपाली मूल का, उसकी मौत हुई है। मौके पर आए है, पुलिस आई है, तो ये कोई नेपाली मूल का व्यक्ति लग रहा है। किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होना लग रही है। बाकी इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसको 72 घंटे के लिए रखा जाएगा मोर्चरी में और कोशिश की जाएगी कि इसके बारसान का पता लग जाए। उधर तारा देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि रेन शेल्टर में रह रहा व्यक्ति मर गया है। उन्होंने तुरंत मंदिर के होमगार्ड को इसकी जानकारी दी। इसके बाद होमगार्ड के जवान सुभाष चंद्र ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मृतक के सामान को खंगाला, परंतु कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिल पाया जिससे मृतक की शिनाख्त हो सके। पुलिस ने 174 CRPC की तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि व्यक्ति बीमारी की वजह से मर गया है, जो कई दिनों से यहां पर रेन शेल्टर में ही रह रहा था।